महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर, मनोकामना नाथ मंदिर समेत जिले के तमाम शिवालयों को सजाने का कार्य जोरों पर है। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह महोत्सव को लेकर सभी शिवालयों और मंदिरों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में गुरुवार को शिवालय एवं मंदिरों को फूलों और लाइटों के साथ हर तरह के सजावटी सामग्रियों से सजाने व भोग सामग्री बनाने का सिलसिला जारी रहा। भागलपुर के प्रसिद्ध बाबा बृद्धेश्वर नाथ मंदिर में रंग रोगन के बाद फूलों और अन्य सामग्रियों से मंदिर को सजाने एवं संवारने का कार्य जोरों पर रहा। शुक्रवार की सुबह 3 से 4 बजे के बीच मंदिर प्रबंधन की ओर से सरकारी पूजा के बाद पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं महादेव के जलाभिषेक और दर्शन के लिए शिवालयों में पूजा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर प्रबंधन के द्वारा भी कई तरह की तैयारियां की गई है, जिससे भक्त कतारबद्ध होकर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कर मनवांछित फल पा सकें। इधर शिव शक्ति मंदिर के महंत अरुण बाबा ने बताया कि महाशिवरात्रि का हमेशा से विशेष महत्व होता है। सच्चे मन एवं सच्चे कर्म से महादेव की पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। तैयारी किया जा रहा है, कल सुबह से श्रद्धालुओं के 4 बजे मंदिर का पट खोल दिया जाएगा। रात्रि में जब जैसे विवाह होगी, रुद्राभिषेक होगा, अखंड महामृत्युंजय हवन होगा 24 घंटा के लिए, लड्डू का प्रसाद होगा, चूड़ी सिंदूर वगैरह से प्रसाद में प्रतीत होगा। वहीं SSP आनंद कुमार ने कहा कि शांति एवं भक्तिपूर्ण माहौल में महाशिवरात्रि संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से जगह जगह पुलिस अधिकारी की निगरानी में सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। साथ ही वरीय पदाधिकारियों ने शहरवासियों से प्रशासन को सहयोग करते हुए महाशिवरात्रि सद्भावपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। महाशिवरात्रि जो 8 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें कि कई शोभा यात्रा निकलने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है, तो उनके आयोजकों से जो हमारे थानाध्यक्ष हैं लगातार संपर्क में हैं और उनका विधिवत कंडीशन के साथ लाइसेंस इशू किया जाएगा, जिसमें कि निकलने का समय, समाप्त होने का समय और किस रूट से पूरी शोभा यात्रा निकलेगी उसका पूरी विवरणी होगी। और इसके साथ ही साथ जो DJ पर प्रतिबंध है वो जारी रहेगा और इसमें लाइसेंसेस निर्गत किए जाएंगे, जो भी आयोजक होंगे उनका सारा डिटेल और विवरणी रखी जाएगी और इसको लेके भी हमारी तैयारी लगातार चल रही है। हमें एक अर्धसैनिक बल की कंपनी भी प्राप्त हुई है, जिसको लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, तो उसका भी हम लोग रूट मार्च एरिया डोमिनेशन लगातार चल रहा है, जिससे कि जो ये पर्व है उसको हम लोग शांतिपूर्वक सम्पन्न करा सकें। भागलपुर जिला पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भागलपुर जिला के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पत्र लिखकर भागलपुर को एयरलाइन सेवा एवं एयर टैक्सी सुविधा के माध्यम से और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव दिया है। DM ने कहा कि भागलपुर एक बहुत ही पुराना और बड़ा वाणिज्य का केंद्र है और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यहाँ अनेकों संभावनाएँ हैं। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि भागलपुर के निकट बांका जिले में मंदार पर्वत और कहलगांव में NTPC का यूनिट है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा भागलपुर में 2 विश्वविद्यालय भी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हवाई अड्डे की महत्वता पर ध्यान देते हुए कहा कि वर्तमान में हवाई अड्डा की सुविधा को विस्तारित करने की जरूरत है, ताकि जिले का विकास हो सके और पर्यटकों को अधिक सुविधा मिल सके। DM नवल किशोर चौधरी ने उम्मीद जताया कि सरकार इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेगी और भागलपुर को और अधिक विकसित करने के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर भागलपुर के डाक विभाग क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वी प्रक्षेत्र में गुरुवार को कर्मठ महिला डाक कर्मियों का सम्मान एवं अंगिका भाषा में सुकन्या समृद्धि गीत का लोकार्पण समारोह
डाक महाध्यक्ष पूर्वी प्रक्षेत्र मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 6 कर्मठ महिला कर्मचारियों को विशेष भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही गायिका एवं समाजसेवी श्वेता सुमन द्वारा अंगिका भाषा में डाक विभाग के सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े गीतों का लोकार्पण भी डाक महाध्यक्ष ने किया। जबकि BSNL के महाप्रबंधक मनीष शाह ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं की उपस्थिति हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ने की बात कही। मौके पर पूर्वी प्रक्षेत्र कार्यालय एवं प्रधान डाकघर के कई वरीय अधिकारी, डाककर्मी और अलग अलग क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली महिलाएं मौजूद थीं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल पहुंचे, जहां सुल्तानगंज थाना प्रभारी प्रियरंजन, SDO धनंजय कुमार, DSP मंगलेश कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव एवं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने उनका भव्य स्वागत करते हुए बुके एवं अंगवस्त्र से उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल ने अजगैवीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ एवं मैया पार्वती की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मंदिर का अवलोकन करते हुए बेहतर व्यवस्था पर खुशी जाहिर की। मौके पर सामाजिक संगठन के लोग एवं दर्जनों पुलिस बल मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर SP सिंगला कंपनी के द्वारा 208 फीट का धर्मध्वज लगाया गया है। साथ ही पूरे मंदिर परिसर को LED लाइट एवं टाइल्स मार्बल लगाकर दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज ने महाशिवरात्रि को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तरवाहिनी गंगा का जल बैद्यनाथ धाम भेजा है। उसी गंगा जल का उपयोग महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ एवं मैया पार्वती के विवाह कार्यक्रम में होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष प्रियरंजन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था एवं नगर परिषद के द्वारा साफ सफाई की तैयारी भी की जा रही है। कल का कार्यक्रम झांकी बाबा का, उत्सव, बारात निकलती है और बारात घूम के शाम को आती है, तो उसके बाद ही पूजा पाठ बाबा का कार्यक्रम होता है, चार पहर का पूजा। तो कल बाजार शहर में जो है बारात निकलेगी और सुख शांति से बाबा अजगैवीनाथ की कृपा है, प्रशासन का व्यवस्था है और हमारे भी कार्यकर्ता लोग रहेंगे और सुख बाबा से यही दुआ है, सुख शांति से बाबा की बारात निकले और आवे और उनका जो चार पहर का पूजा विवाह उत्सव जो है सुख शांति से हो, यही हम लोग कामना कर रहे हैं, महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद।